रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक की रंगारंग शुरुआत हुई। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे से ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। इस दौरान माराकाना स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ था। 17 दिनों में 206 देशों के बीच 28 खेलों के लिए मेडल की जंग चलने वाली है। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल 95वें नंबर पर दिखा। अभिनव बिंद्रा ने दल की अगुवाई की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाउन हॉल कार्यक्रम के जरिए लोगों से सीधे रूबरू होंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहे इस कार्यक्रम में करीब 2000 लोग शिरकत करेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री समेत कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। विजय रूपानी गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। रविवार को रूपानी पद की शपथ लेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के पद पर नितिन पटेल को शपथ दिलाई जाएगी। राजकोट में विजय रूपानी के सीएम चुने जाने के बाद जश्न मनाया गया, तो डिप्टी सीएम चुने जाने के बाद नितिन पटेल के घर मेहसाणा में भी खुशियां मनाई गई। गुजरात पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं ने सूरत में अमित शाह और विजय रूपानी का पुतला फूंका। समिति के लोग अमित शाह से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि रूपानी और शाह में कोई फर्क नहीं। इंदौर में पाकिस्तान पर मोहन भागवत ने निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान ना कटवाने के बाद भी भारत का बुरा चाहता है। भागवत ने अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। दिल्ली से संसदीय क्षेत्र संगरूर जाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने एक बार फिर फेसबुक पर लाइव किया। मान ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि मैं लोगों के मुद्दे संसद में उठाना चाहता था। उन्होंने कहा कि अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। 35 महीने में 8 बार जमानत हासिल करने की कोशिश कर चुके आसाराम अब निराश होने लगे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी उनकी जमानत के लिए परिस्थितियां बनती हैं, कोई नया आरोप उन पर लगा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनकी जमानत नहीं होने देना चाहते। असम के कोकराझार में एनएफडीबी के उग्रवादियों ने बाजार में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी कर 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बदले में सुरक्षा बलों ने जवाब दिया और एक उग्रवादी को मार गिराया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को असम के मुख्यमंत्री ने घटना की पूरी जानकारी दी। एनएसए अजीत डोभाल ने भी असम के सीएम सोनोवाल से इस घटना पर बैठक की। यूपी की राजधानी लखनऊ में बदमाशों को लगता है पुलिस का खौफ नहीं बचा। गोमती नगर के पत्रकारपुरम में कुछ लड़कों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले की वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पीड़ित युवक ने हमलावरों के चंगुल से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान हमलावरों ने उसकी लाइसेंसी पिस्टल भी छीन ली। राजस्थान के धौलपुर में कैसा चोर सीसीटीवी में कैद हुआ, जो होटल में अलग अलग नामों से ठहरकर एलईडी टीवी की चोरी करता है। सुंदरम होटल में भी ये टीवी चोर एक रूम में रुका और चोरी करके चलता बना। होटल कर्मचारी जब उसके रूम में पहुंचे तो उन्हें चोरी के बारे में पता चला। होटल मालिक ने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टीवी चोर को खोज रही है। तमिलनाडु के तंजावुर में 20 साल की दलित महिला की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को घर से निकलने के बाद वो फिर लौटी नहीं। बाद में उसका शव बरामद किया गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, जबकि सर में ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। 2 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। कानपुर के अहिरवा पुलिस चौकी में दम तोड़ने वाले दलित युवक को प्रशासन ने 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं एक दूसरा शख्स राजू पुलिस को जिंदा मिला है। राजू की पत्नी ने पुलिस कस्टडी में उसकी मौत का आरोप लगाया था। गया में दलित छात्रा के साथ 6 महीने तक रेप करते रहे बलात्कारी को पंचायत ने 1000 रुपए जुर्माना और 51 उठक बैठक करने की सजा दी। मामला इमामगंज इलाके का है। पीड़ित छात्रा के गर्भवती होने पर परिवार को मामले की जानकारी हुई और वो इंसाफ के लिए पंचों के पास पहुंचे, लेकिन इंसाफ का माखौल उड़ते देख वो थाने पहुंच गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के फतेहपुर जिले में पड़ोस के ही एक युवक ने 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप तो किया ही, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का परिवार अब दहशत में है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में मनचलों के डर से 2 छात्राओं ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। दबंगों की धमकी के बाद परिवार के ही 2 सदस्यों ने घर भी छोड़ दिया। डरे सहमे परिवार ने हिस्ट्रीशीटर रवि वर्मा के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि पुलिस ने मामला वापस लेने का दबाव भी परिवार पर बनाया। अब पूरा परिवार पुलिस के आला अधिकारियों के पास फरियाद लेकर पहुंचा है।
बलिया में पुलिस की सक्रियता के चलते बुलंदशहर गैंगरेप जैसी घटना टल गई। घर से नाराज होकर रात को बाहर निकली एक महिला से दो शराबियों ने गैंगरेप का प्रयास किया, लेकिन गश्त पर निकली पुलिस मौके पर जा पहुंची। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद में आजाद पुलिस नाम के संगठन ने बाइक से जा रहे पुलिस वालों का ही चालान कर डाला। इस संगठन का कहना है कि या तो पुलिस वाले भी कानून माने, नहीं तो वो उनका भी चालान करेंगे। चालान का पैसा डाक से सिटी मजिस्ट्रेट को जमा कराया जाएगा। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीनों ने कहा है कि जेल से लौटकर भी वो ऐसा करना जारी रखेंगे। बिहार के सुपौल में एक निजी स्कूल में यूकेजी के छात्र के हाथ पांव बांधने का मामला सामने आया है। स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप है कि उसने छात्र के पांव में जंजीर बांधकर ताला लगा दिया। छात्र अक्सर स्कूल से भाग जाते थे। जानकारी के मुताबिक छात्र जंजीरों में 16 घंटे तक झगड़ा हुआ, अकेले कमरे में बंद रहा। इतना ही नहीं, छात्र की बेरहमी से पिटाई भी की गई। शाम को छात्र खुद ही चुपके से निकला और परिचित महिला के पास पहुंचा। प्रिंसिपल ने मामले को झूठा बताया है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में 15 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इस दौरान दो पिकअप वैन और एक मारुति को भी सीज किया गया। यूपी के गोंडा में पुलिस ने अश्लील फिल्मों के क्लिप बेचने वाले 11 दुकानदारों को पकड़ा है। 7 अलग अलग दुकानों से कंप्यूटर और लैपटॉप भी बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दुकानों से अश्लील सामग्री नाबालिग बच्चों को बेची जा रही है। इसके बाद पुलिस ने अभियान चलाया। हिसार में एक 9 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक लड़की मिस्त्री के पास गई थी, जहां आरोपी युवक उसे फुसलाकर साथ ले गया। पास ही में पंचायती धर्मशाला में बच्ची के साथ रेप किया और फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करा के मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के ABES कॉलेज में करंट लगने से हुई बीटेक स्टूडेंट की मौत के बाद पुलिस ने स्टाफ के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर्षित नाम का छात्र नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर भी था। पुलिस ने गिरफ्तार 5 लोगों को लापरवाही बरतने का दोषी माना है। छात्र की मौत 26 जुलाई को हुई थी, जिसके बाद छात्रों ने काफी हंगामा किया था। ग्वालियर के गुड़ा इलाके में 12 साल की छात्रा की बीमारी से मौत के बाद सौतेली माँ भी छत से कूद गई। माँ को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि वजह पता नहीं चली, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि घर में लगातार तनाव की वजह से महिला छत से कूदी है। ग्वालियर के हजीरा इलाके में 3 युवकों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला सुशीला कुशवा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उन्होंने महिला की बहू को मारने की कोशिश भी की। इसी दौरान पड़ोसी महिला ने दरवाजा खटखटाया तो हमलावर घर से जेवर लूटकर भाग निकले। शुरुआती जांच में हत्या की वजह कई साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड को माना जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने एक महिला समेत 3 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया। मौके से बंदूक और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। हालांकि पुलिस ने कम से कम 6 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस के हत्थे तौफीक अहमद भट्ट नाम का एक युवक चढ़ा है। भट्ट पर आरोप है कि उसने सोशल साइट्स पर कश्मीरी दहशतगर्दों के समर्थन में मुहिम चला रखी है। पुलिस को उसके खिलाफ शिकायत मिली थी, लेकिन भनक पड़ते ही भट्ट दुर्ग से भाग निकला। पुलिस ने बाद में उसे मध्य प्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक भट्ट सीमी के कार्यकर्ताओं से संपर्क में है। मूल रूप से वो बारामूला का रहने वाला है और दुर्ग में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। मुगलसराय की GRP ने कारतूसों के जखीरे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 315 बोर के 550 कारतूस सहित कई मैगजीन और असला बनाने का सामान बरामद किया गया। आरोपी बिहार के गया का निवासी और कारतूसों को कानपुर से लेकर बिहार लौट रहा था। लखनऊ में आलमबाग के बोध विहार स्मृति उपवन में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने अपने एक मृतक साथी राम अवतार का शव रखकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि राम अवतार ने पत्नी के बीमार होने पर हफ्ते भर की छुट्टी ली थी। काम पर लौटने पर अधिकारी ने उससे 10,000 रुपए की मांग की। अंगूठी बेचकर राम अवतार ने 5,000 रुपए जुटा लिए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई गई। राम अवतार को भारी तनाव हुआ और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों पर रिश्वत लेकर ज्वाइनिंग कराने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अस्पताल कर्मचारियों और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच मारपीट ने हजारों मरीजों की जान खतरे में डाल दी। बिजली विभाग के कर्मचारियों से नाराज होकर बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। इसके बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में हंगामा मच गया। गंभीर मरीजों की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी है, लेकिन अधिकारी आरोप लगाने में व्यस्त है। मथुरा के कोर्ट परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक पत्नी ने अपने पति की चप्पलों से धुनाई कर डाली। पति पर दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है। महिला का नाम कांति है, जिसकी शादी 3 साल पहले प्रेमपाल से हुई थी। बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्ष अदालत में आए थे,
जहां प्रेमपाल ने कांति को जान से मारने की धमकी दे दी। नाराज पत्नी ने मौके पर ही चप्पलों से पति की सरेआम धुनाई करनी शुरू कर दी। जैसे ही प्रेमपाल की पिटाई शुरू हुई, उसके साथ आए साथी भाग निकले। आपस में भिड़ रहे इस परिवार को ना पुलिस की फिक्र है और ना अस्पताल की। दरअसल ऋषिकेश में एक युवक अपनी विधवा माँ को उसके प्रेमी के साथ देख भड़क गया। आपस में मारपीट के बाद दोनों युवकों को पुलिस ने राजकीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में भी दोनों के बीच हाथापाई चलती रही। पुलिस भी इन्हें रोक नहीं पा रही थी। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बावजूद इसके हाजीपुर सदर अस्पताल के कर्मचारी मुकेश कुमार ने नशे में धुत होकर खूब बवाल मचाया। अस्पताल के ही कमरे में शराब की खाली बोतल भी दिखाई दी। हंगामे की खबर पर पहुंची पुलिस के साथ भी मुकेश कुमार ने खूब गाली गलौच और हाथापाई की। अलीगढ़ में रामघाट रोड पुल पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार ने साइकिल सवार स्कूली बच्चे को अपनी चपेट में लेते हुए आगे चल रहे तांगे में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद घोड़ा पुल की रेलिंग से लटक गया। कुछ देर बाद नीचे गिरने से घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया और सही वक्त पर उपचार न मिलने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं, जो मौके पर एक घंटे बाद पहुंची। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कार सवार फरार है। रांची के दीपक कुमार सिन्हा के लिए उनका नाम ही मुसीबत बन गया है। पेशे से वकील और क्रिकेट कोचिंग सेंटर चलाने वाले दीपक के घर पर पुलिस ने इश्तेहार लगाकर सरेंडर करने के लिए कहा है। दरअसल उनका ही एक हमनाम इसी मोहल्ले में रहता था और पुराना अपराधी था। उसके ऊपर हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। पुलिस अक्सर गलत पहचान का शिकार होकर वकील दीपक कुमार सिन्हा को परेशान करने चली आती है। अब दीपक इतना परेशान हो चुके हैं कि परिवार के साथ आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं शहर के वकीलों ने भी पुलिस को विरोध प्रदर्शन के लिए चेताया है। भारतीय रेलवे को नई रफ्तार और कलेवर देने की कोशिश कर रहे रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल गीत की सौगात भी दे दी है। रेल मंत्री ने राजधानी दिल्ली के रेल भवन में भारतीय रेलवे के रेल गीत को लॉन्च किया। 5 मिनट लंबे इस गीत का छोटा वर्जन 3 मिनट का है। इसे कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण ने अपनी आवाज दी है। जान है भारत की, ये शान है देश की, ये जान है इंडियन रेलवे, we love इंडियन रेलवे। ये नजारा यमुनानगर जिला जेल का है, जहां तीज के मौके पर महिला कैदियों ने हाथों पर मेहंदी सजाई। इस मौके पर कैदियों ने झूला तो झूला ही, साथ में जमकर डांस भी किया। जेल प्रशासन ने कैदियों को चूड़ियां उपलब्ध कराई। जेल अधिकारी भी महिला कैदियों के साथ तीज का लुत्फ लेती दिखी। परिवार से दूर सलाखों के पीछे कैद महिला कैदियों को घर जैसा माहौल मिला तो वो खुश और जेल प्रशासन के प्रति शुक्रगुजार नजर आईं। दिल्ली के रजौरी गार्डन में चोरों ने देर रात डीडीए मार्केट की 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी यहां चोरी हो चुकी है। चोरों ने चोरी करने के दौरान पास लगे सीसीटीवी भी तोड़ डाले। पुलिस तहकीकात में जुटी है। राजधानी दिल्ली का अशोक विहार फेज 3 में लुटेरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर 2 घंटों तक लूटपाट की। इस दौरान उन्होंने 90 साल के केदारनाथ रस्तोगी के सर पर रॉड से वार कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें चोर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसी इलाके में कई वारदात होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली ही हैं। दिल्ली के विवेक विहार राजकीय विद्यालय में एक टीचर ने 8वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि बच्चा टीचर के सवालों का जवाब नहीं दे सका तो उसकी खूब पिटाई की गई। घर पहुंचने पर बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाना पड़ा। परिजनों ने इसके बाद पुलिस में शिकायत की, लेकिन तब तक आरोपी टीचर फरार हो गया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने 3 राउंड फायर किए। घटना के वक्त प्रॉपर्टी डीलर संतोष कुमार ऑफिस में ही बैठे थे। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें बना दी हैं और तलाश में जुटी है। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की पुलिस ने MBA पास कार चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह कारें और दूसरे वाहन चोरी कर ट्रेन से इम्फाल भेजता था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 लग्जरी कारों के साथ 8 महंगी स्पोर्ट्स बाइक और स्कूटी बरामद की है। गिरोह का सरगना जहां MBA है, वहीं दूसरे सदस्य भी काफी पढ़े लिखे हैं।
स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज में सुरक्षा की जांच की। इस मौके पर आला अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल दिखा। पुलिस ने होटल कर्मचारियों को होटल में ठहरने वालों की पूरी जांच और सुरक्षा से जुड़ी तकनीक की जानकारियां दी। सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर भी दुरुस्त करने को कहा गया। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हार के कगार पर पहुंच गया है। मैच के दूसरे दिन 413 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारू टीम ने 25 रनों पर 3 विकेट खो दिए। मैच के दूसरे दिन कुल 21 विकेट गिरे, जिसमें श्रीलंकाई गेंदबाज हैरात की हैट्रिक भी शामिल है। पहली पारी में पाकिस्तान से 103 रनों से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने करारा जवाब दिया है। तीसरे दिन स्टंप तक बगैर विकेट खोए इंग्लैंड ने 120 रन बना लिए। कुक और हिल्स ने अपने अर्धशतक पूरे किए। पाकिस्तान के कराची में दो दिन के अंदर 700 कुत्तों का कत्ल कर दिया गया। सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान में कुत्तों को चिकन में जहर की गोली रखकर खिला दी गई। इस अभियान के खिलाफ पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई है, लेकिन प्रशासन ने साफ कहा है कि कुत्तों की बढ़ती आबादी से निपटने का उनके पास इसके सिवा कोई और तरीका नहीं। रियो पुलिस ने एक मोरक्कन ओलंपिक बॉक्सर हसन सदा को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसकी शिकायत दो सफाईकर्मी महिलाओं ने की जो ओलंपिक विलेज में काम करती हैं। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने तक बॉक्सर 15 दिनों तक जेल में रहेगा। इटली के सिसली में कोस्ट गार्ड के अधिकारी ने एक बिल्ली के बच्चे को समंदर में डूबने से बचा लिया। समंदर से निकालने के बाद बिल्ली के बच्चे को किसी तरह सांस लेने में मदद की गई और फिर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। बिल्ली के बच्चे की तबीयत अब ठीक है। पोर्ट प्रशासन ने बिल्ली के बच्चे को चार्ली नाम दिया है।